और अब बात एक ऐसी किताब की जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स के दावों को सुनकर कांग्रेस नेताओं के होश फाख्ता हो गए हैं, होश उड़ गए हैं। दरअसल इस किताब में जहां राहुल और सोनिया गांधी की राजनीति और उनके बर्ताव, उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। इस किताब के आने से अब सियासी भूचाल मचना तय है। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब पर सियासी बवाल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया है जिसके जवाब कांग्रेस को देते नहीं बन रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की डायरी और उनके पर्सनल बातचीत के आधार पर जो किताब में लिखा है वो कांग्रेसियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कांग्रेसी कब तक गांधी परिवार के फैसलों को सहन करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स किताब में दावा किया गया है कि प्रणब मुखर्जी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों और व्यवहार की तारीफ की थी। आप ये जान लीजिए कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में सोनिया और राहुल गांधी को लेकर क्या लिखा गया है। अपने पिता के प्रधानमंत्री ना बन पाने के सवाल पर शर्मिष्ठा लिखती हैं, सोनिया गांधी के इनकार के बाद पार्टी में चर्चा थी कि प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह में से कोई एक पीएम बनेगा। जब मैंने उत्साह में अपने पिता को फोन करके पूछा तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि सोनिया गांधी मुझे पीएम नहीं बनाएंगे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। सोनिया गांधी जी का उनको शायद सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे। तो मैंने ये बात पूछा कि मैं आप क्या चैलेंज करते, तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, बट सोनिया गांधी जी को ऐसे लगा। उन्होंने बड़ा बोला, देखिए पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यू नो यहाँ सब कोई चाहता है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे। तो सोनिया जी अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे थे, और उनको जिनको सही लगा कि वो सोनिया जी की अथॉरिटी चैलेंज नहीं करेंगे उनको बनाया, तो इसमें कोई आर्गुमेंट की कोई बात ही नहीं है। प्रणब मुखर्जी पर लिखी किताब में कांग्रेस पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में लिखा है, कांग्रेस ने अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो दिया है जिसने देश की राजनीति को प्रभावित किया। आजादी के बाद अगर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 37 साल तक कब्जा रहा तो ये लोकतंत्र के सबसे खराब रूप का प्रमाण है। परिवार आज संगठन को शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि उसकी ताकत को खत्म कर रहा है। 2004 के बाद ये परिवार किसी भी तरह अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने में रुचि रखता है। वहीं दूसरी तरफ दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि उनके पिता पीएम मोदी के कई फैसलों और व्यवहार को लेकर प्रशंसा करते थे। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी के बारे में किताब में क्या कहा गया। बाबा ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उनकी नजर में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो जनता की नब्ज समझते हैं। 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, दीपावली पर जवानों के बीच सियाचिन जाना और फिर श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक समझ को दर्शाता है। ऐसा इंदिरा गांधी के बाद किसी दूसरे प्रधानमंत्री में देखने को नहीं मिला है। प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स किताब आने के बाद से
कांग्रेसियों में खलबली मच गई है। कई कांग्रेसी इस किताब में बताई गई सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं। और किसी बड़े व्यक्ति के बाद उसके परिवार के किसी शख्स द्वारा इस तरह के दावे किसी किताब में किए जाना, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पद्धति नहीं है। जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसकी तस्दीक के लिए, तो उस विषय पे क्या बोला जाए। और मैंने अभी किताब भी नहीं पढ़ी है, वो किताब आने दीजिए बाज़ार में, आए पहले उसको पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद उसकी समीक्षा की जाए, तब फिर इस पे कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। भले ही प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स के दावे कांग्रेसी नेता ना पचा पा रहे हैं, लेकिन इस किताब में प्रणब मुखर्जी का पीएम मोदी के लिए अपनापन और सहयोग से जुड़ा एक शानदार वाक्य के बारे में बताया गया है। किताब में लिखा है, 2014 में लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी और दूसरे एनडीए नेताओं ने प्रणब से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने के लिए बीजेपी संसदीय दल का एक पत्र और एक प्रस्ताव सौंपा और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। मनोनीत प्रधानमंत्री ने उसी दिन बाद में प्रणब मुखर्जी के साथ निजी बैठक की। किताब के हवाले से बताया गया है कि प्रणब ने अपनी डायरी में लिखा, मोदी ने मेरे पैर छुए और कहा, दादा आप अपने छोटे भाई की तरह मेरा मार्गदर्शन और सलाह करते हैं, मैंने उन्हें अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रणब ने आगे कहा, शपथ ग्रहण के लिए सार्क राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों को आमंत्रित करने का उनका विचार काफी नया है, मैंने उन्हें कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। नहीं, राहुल गांधी को मैच्योर होना चाहिए ये कहना तो ठीक है, वो अच्छी बात, ये जो भी कहा है अच्छा है, लेकिन इमैच्योर होना भी तो कभी कभी आदमी का जो बनावटी इमैच्योर है तो क्या कर सकते हैं आप। लेकिन इमैच्योर से ज्यादा खतरनाक तो भारत विरोधी है ना, जो भारत को टुकड़े करने वाले के साथ खड़े रहते हैं और जो देश विरोधी जिस आवाज में बात करते हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी पर जो किताब लिखी है वो 11 दिसंबर को रिलीज होगी। उस किताब की कुछ बातें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में एक जगह राहुल को लेकर लिखा है, एक दिन सुबह जब प्रणब मुखर्जी मुगल गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच गए। प्रणब मुखर्जी सुबह के वक्त टहलते समय और पूजा करते समय किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके वो राहुल गांधी से मिले, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी मीटिंग उसी दिन शाम में राहुल गांधी से होनी थी। जब इस बारे में मुझे पता चला तो मैंने अपने पिता से पूछा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल गांधी का ऑफिस एएम और पीएम में अंतर भी नहीं समझ पाता, ये लोग पीएमओ चलाने की आशा कैसे रखते हैं। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी से की गई बातों के आधार पर राहुल के व्यवहार और उनकी मैच्योरनेस पर भी काफी कुछ लिखा है। किताब में लिखा है, प्रणब मुखर्जी ने एक बार राहुल गांधी को बहुत विनम्र और सवालों से भरपूर बताया था, लेकिन उनका मानना था कि वायनाड के सांसद को अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व होना बाकी है। किताब में जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते रहते थे। शर्मिष्ठा के मुताबिक उनके पिता ने यह भी बताया था कि राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई प्रोग्राम्स में नहीं आते थे, ऐसा क्यों होता था ये नहीं पता। शर्मिष्ठा ने राहुल और उनके परिवार को लेकर उनके पिता की आलोचनात्मक टिप्पणियों का जिक्र किया है। प्रेसिडेंट थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए आते थे, तो उनका जो ऑब्जर्वेशंस राहुल गांधी के बारे में रहा उसके बारे में मैंने बताया कि वो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लगा कि राहुल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी जाते हैं,
तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसमें बारे में भी मेरे फादर का उन्होंने लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा इस विषय में। इतनी ही नहीं, राहुल गांधी ने 10 साल पहले जिस अध्यादेश को फाड़कर पीएम मनमोहन सिंह को संकट में डाल दिया था, उस पर प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह से अपनी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के सामने रिएक्शन दिया था वो हैरान करने वाला था। प्रणब, माय फादर और डॉटर रिमेम्बर्स में लिखा गया है कि उस रात प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा, राहुल गांधी ने अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गेट क्रैश कर दिया और कैबिनेट के फैसले को बकवास बताया, ये पूरी तरह से अनावश्यक है। उनके पास राजनीतिक कौशल के बिना अपने गांधी नेहरू वंश का सारा अहंकार है। सोनिया गांधी क्या प्रणब मुखर्जी पर विश्वास करती थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस किताब में एक जगह दावा किया गया है कि सोनिया गांधी सुनती सभी की थी, लेकिन विश्वास सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी पर ही करती हैं। किताब में लिखे दावे के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने कहा था सोनिया के पास उनके करीबी सलाहकार थे, लेकिन वो किसी की भी सलाह आंख मूंद कर नहीं मानती थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि गांधी परिवार एक दूसरे के अलावा किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करते हैं। कुल मिलाकर प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेम्बर्स किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जहां सोनिया राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं इस किताब में पीएम नरेंद्र मोदी और दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बीच बेहतरीन संवाद और सियासती समझ की भरपूर झलक मिलती है। अब देखना होगा इस किताब पर आने वाले दिनों में कांग्रेस का गांधी परिवार किस तरह से रिएक्ट करता है।